सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक यही होता है कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को घर पर छोड़कर आना चाहिए. नेवर लेट इट इंटरफेयर योर वर्क. एंड नेक्स्ट टाइम जब भी मैं तुम्हारे सामने हूँ, अपनी आवाज में अपसेट होने की झलक भी मत आने. मेक दिस अ रूल एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. कितना अच्छा होता ना अगर लड़कों के माथे पर साइन होता, आई एम सिंगल, आई एम मैरिड, आई एम डिवोर्स्ड. तो क्या होता? तो मुझे लड़का ढूंढने में आसानी होती, बस साइन पड़ती और लड़का मिल जाता. हाय अनन्या. क्या हुआ? आई स्पोक टू सामित और उन्होंने मेरा ऑडिशन दोबारा लेने से मना कर दिया. इट्स ओके अनन्या, यहाँ पर तो ऑडिशन होते रहते हैं, तुम अगली बार दे दो. बट यू नो सैम, आई कुड हैव क्लियर द ऑडिशन दिस टाइम ओनली. पर मैं इतनी अपसेट थी कि. कोई बात नहीं अनन्या, ऐसा तो सबके साथ होता है. तुम्हारा तो सिर्फ ऑडिशन खराब हुआ है. मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई किया था तो पूरा फॉर्म गलत भर दिया था. वो क्या है ना, आई हैव टू कैच अ फ्लाइट विद माय बॉयफ्रेंड. उदिता, तुम प्लीज एक मिनट के लिए चुप रह सकती हो? अनन्या, चिल. सी, यू वर्किंग इन द रेडियो स्टेशन, राइट? तो आज नहीं तो कल चांसेस तो तुम्हें मिलेंगे ही. But if you get upset like this, you won't be able to work on the job you have on hand. So just don't think about it and chill, yeah? But you know what, Ananya? You're really lucky. Udita. वो कहते हैं ना, unlucky in career, lucky in love. वो मेरा एक मिनट खत्म हो गया था ना, इसलिए मैंने बोला. हमें इसकी तरह ही बनना चाहिए. No stress, no tension. जो कुछ भी हो, live life at ease. Are you insulting me? No, dear. I'm complimenting you. ओके, सी यू लेटर. बाय. अर्णव, तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे? रोज एक फोन नहीं कर सकते थे? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं एयरपोर्ट चली आती. रिलैक्स अनन्या. व्हाट रिलैक्स? तुम ना देखो, मुझे अर्जेंटली मीटिंग के लिए जाना पड़ा. एंड देन आई गॉट बिजी विद द प्रिपरेशंस ऑफ द मैरिज. और फिर मेरा फोन भी वहां पे काम नहीं कर रहा था. और बार बार किसी और का फोन लेकर फोन करना अच्छा नहीं लगता. अर्णव प्लीज, ऐसा फिर कभी नहीं करना. अच्छा ये बता, तुम्हारी ट्रिप? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी. अनन्या, ट्रैफिक अपडेट का टाइम हो गया. अच्छा तुम रुको, मैं ट्रैफिक अपडेट खत्म करके आती हूँ. अच्छा सुनो, मैं अभी एयरपोर्ट से आया हूँ. मैं घर जाके फ्रेश होके आता हूँ, फिर आके बात करते हैं, ठीक है? अभी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, ओके? ऑल द बेस्ट, ओके? Arnav, finally you are back. How was the trip? Good. Very productive. भाई तुम क्या गए? मेरे तो लेफ्ट हैंड में दर्द होना शुरू हो गया था. क्यों? भाई सब लोग तुम्हें मेरा राइट हैंड समझते हैं. ऑब्वियसली जब राइट हैंड छुट्टी पर जाएगा तो लेफ्ट हैंड पे बर्डन बढ़ेगा ना. बाय द वे, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी थी बिकॉज यू आर नॉट अराउंड. सो जस्ट लुक इनटू द मैटर. श्योर. चलो, बहुत सारा काम है तुम्हें पता तो. समित, मैं अभी एयरपोर्ट से आया हूँ. मैं घर जाके थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, फिर बात करें. Okay, no problems. तुम आ जाओ धनवल से. Okay. Hey, sis. Hi. Glad to see you. How was your trip? Perfect. Tea, coffee? Nothing. बस तुमसे मिलने आई थी. बैठो. Sure. Yeah. अच्छा ये बताओ, मेरे मुंबई से जाने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम कैसे होती? तुम अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या को जो छोड़ गए थे, मेरी हेल्प करने? Did she help you? Well, yes. In many ways. उससे मिलकर मुझे ये पता चला कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए. और उससे मिलकर मुझे ये पता चला कि मेरे भाई की चॉइस कितनी खराब हो गई. मैं कुछ समझा नहीं. इसी भोलेपन का तो वो फायदा उठा रही है अर्णव. वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, जिसे मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी समझा, और उसने भी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं समझी तक कि सीइंग यू.
Ananya is a nice girl. मैंने भी ऐसा ही सोचा था. But no, she is not. She is a typical middle class girl, जिसके सपने उसकी औकात से बड़े हैं और जिन्हें पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और कर रही है. Arnav, she lied to me. वो तुम्हारी सेक्रेटरी की तरह बिहेव करती रही जबकि है तुम्हारी गर्लफ्रेंड. Arnav, मैं सिर्फ तुम्हें वॉर्न करने आई हूँ. जस्ट बीवेयर ऑफ दैट गर्ल. शी इज नॉट राइट फॉर यू. मम्मी से मिलो. इट्स डेंजर बॉस. मेरे लिए भी सब कुछ सही चल रहा था. आई मीन लड़की अच्छी थी. वी लव्ड ईच अदर. वी वर हैविंग फन. फिर एक दिन उसने कहा कि मम्मी से मिलो. मम्मी मिली. मम्मी ने बोला बेटे अब तुम हमारे दामाद हो. फिर मेरे पेरेंट्स को पता चला. फिर रिश्तेदारों को. एंड वेरी सून द एंटायर टाउन न्यू इट. और जब सबको पता चल जाता है देन यू कैन बैक ऑफ. पर मम्मी से मिलने में बुराई क्या है? कुछ नहीं. लेकिन मम्मी से मिलना और मम्मी ऐसे मिलना बहुत डिफरेंस है दोनों में. जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ने मिलवाया था और अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिलवा रही है. बी केयरफुल अर्नव. कहीं डोंट वरी ऐसा कुछ नहीं होगा. अरे मैं भी यही सोचता था. अब देखो ना क्या हाल हो गया मेरा. बाय द वे दिन ही कितने हुए थे तुम्हें. और चार दिन में तो ये भी नहीं पता चलता कि whether it's love or attraction. Are you sure you love her? जो लड़की तेरी कबर साफ कर सकती है, तेरे घर को सजा धजा सकती है, कल अपनी मम्मा से मिलवाएगी और दूसरे दिन शगुन का थाल आ जाएगा एंड देन रिंग. और जहां तुमने अंगूठी पहनी वहां गए काम से. रिंग के बहाने हाथ को पकड़ लेती है और फिर पूरी लाइफ पर उनका ही कंट्रोल ले जाता है यार. अन्य ऐसे नहीं है. अच्छा ओके फाइन इफ यू से सो. पर जैसा तुमने उसे डिस्क्राइब किया था शी इज एग्जैक्टली माय गर्लफ्रेंड यार. स्मॉल टाउन गर्ल्स जिन्हें शादी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं. आर यू श्योर यू वांट टू गेट मैरिड? आर यू क्रेजी व्हाट? शादी और मैं वो भी अभी. ठीक है तो ये बात उसे साफ साफ बता दो. टेल हर एंड मेक श्योर शी गेट्स इट हियर एब्सोल्युटली क्लियर. एनीवे जिम में मिल रहे हो ना? या आई विल सी यू इन एन आवर. सी यू देन. शी इज अ टिपिकल मिडिल क्लास गर्ल जिसके सपने उसकी औकात से बड़े हैं और जिन्हें पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है. यार आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. राइट हम सब कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं. कम लेट्स ऑल गो फॉर अ ड्रिंक. नहीं यार मुझे तो घर जाना है. अर्नव तुम्हें भी तो घर जाना है. क्या तुम भी शादी कर रहे हो? चल यार आई एम नॉट. कूल देन यू कैन कम विद अस. राहुल तुम दूध का पैकेट ले जाना मत भूलना और भाभी जी को हमारी तरफ से नमस्ते भी कहना. ठीक है ठीक है. दूसरों के दुख पर मत हंसो. एक दिन तुम्हारी भी यही हालत होगी. नॉट मी नेवर. बाय. ये राहुल क्या कह रहा था? कुछ नहीं यार. There's this girl I'm seeing. वो चाहती मैं उसकी मम्मी से मिलूं. देख यार कोई रिंग रिंग तो नहीं है. पता है स्विट्जरलैंड में जब गाय पालतू हो जाती है तो उसके गले में घंटी बांध देते हैं और हमारे यहाँ उंगली में अंगूठी. आ गया बुलाओ मैडम का. अर्नव कहाँ हो तुम? वापस ऑफिस आ रहे हो ना? घर ड्रॉप करना है मुझे. I'll see you in a while. जाओ जाओ. Hey guys, do you know the Lovebirds are making a nest for themselves again? क्या बोली? अरे शादी यार शादी. कौन शादी? अर्नव और अनन्या की. अर्नव और अनन्या की शादी? That's great. अर्नव और शादी? It's a joke यार. No यार. Yes यार. अर्नव की शादी is like toast with दाल. Wow, soon he'll be toasting his wedding ring. अर्नव और अनन्या की वेडिंग बेल्स जल्दी ही बजने वाली है. वेडिंग बेल्स? लेकिन हिंदू वेडिंग्स में घंटियां कहाँ बजती हैं? हे, दे गेटिंग मैरिड फाइनली. हु? अर्नव और अनन्या. What?
क्या बातें कर रहे सब? Who's wedding? What are they all talking about? शादी? अरे हाँ, उस दिन शादी की शॉपिंग के लिए गई थी ना, शैनल के साथ। शादी की शॉपिंग? मेरी बहन के साथ? Why? For what? अर्णव, मैं तुम्हें यही तो बताना चाह रही थी कि शैनल आई थी। Yeah, yeah, I know. But what is all this शादी की शॉपिंग है ना? उसके साथ कोई जाने वाला नहीं था, इसलिए मैं चली गई। सोचा थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो जाएगी और उसकी शॉपिंग भी। I did it for you, Arnav. For me? क्यों, मैंने कहा था तुम्हें, हाँ? I don't know, Arnav, what to do. मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो, but somewhere nothing goes right. Maybe he's just trying too hard. और तुमने शैनल से ये बोला कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो? मैंने उसे ऐसा नहीं कहा, उसे ऐसा लगा। और तुमने सच बताना जरूरी नहीं समझा? अर्णव, मैंने उसे कहा कि We're seeing each other. हमारे प्यार का ढिंढोरा पीटा तुमने? अर्णव प्लीज, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो उदिता के मुंह से निकल गया कि Come on, अनन्या. हर गलती के लिए तुम्हारे पास एक्सक्यूज तैयार रहता है। अर्णव, I was just trying to help her. Why? Who told you? What? क्या हुआ अनन्या? शादी का प्रॉब्लम है? ड्रेस फिट नहीं आ रही होगी। डोंट वरी यार, रोज 5 किलोमीटर जॉग करो, ड्रेस अपने आप फिट आ जाएगी। सो सिंपल। उदिता, व्हाट्स हैपनिंग? क्या हुआ? अनन्या, कोई भी आदमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। दैट ही कैन जस्ट गेट अवे बाय हर्टिंग यू। ओके? राइट। जैसे ही वो तुम्हें हर्ट करे, जस्ट लीव हिम एंड फाइंड अनदर मैन। उदिता, हे गाइस, हे अनन्या, अरे इसे क्या हुआ? अनन्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस। या अच्छा, तुम भी आ जाओ, कम कम ऑन। हे अर्णव, व्हाट्स अप? देवी जू मैन, व्हाट्स अप विद यू? मैं क्या सुनाऊं, तुम सुनाओ, न्यूज में तो तुम हो। व्हाट न्यूज? यू गेटिंग मैरिड, राइट? तुम्हारी शादी हो रही है। हु टोल्ड यू दैट? माय गर्लफ्रेंड तान्या। One of her friends works in your office. She told Tanya. Tanya came and told me. So, how does it feel, man? What? What? I mean, finally, शेर के गले में पट्टा बंधने जा रहा है। Excuse me, मुझे जाना है। I'll see you later. Yeah. Bye. We leave a bit early today. सारी तैयारियां कर ली हैं रात की? हाँ यार, सब सेट है। Beer, men, music, everything. सिर्फ हम हैं, और कोई नहीं। जो चाहेंगे वो करेंगे। No one can stop us. बिल्कुल। इस ऑफिस में जब भी आता हूँ, कोई ना कोई नए रिश्ते की बातें सुनने को मिलती है। न जाने क्या हो गया है आजकल की जेनरेशन को यार, कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाँ यार, इस बेचारे के कुछ ही पल बचे हैं ऐश के। एक बार फेरे ले लिए, बस गया काम से। हाय। तुम्हारे होना शाम को? Stag party है। शाम को stag party for what? Hey, I'm getting married here. Oh, congrats. पर शादी इतनी जल्दी? क्या बताऊँ यार, प्यार हो गया एक लड़की से, फिर उसके घर वालों से मिला, बस हो गई शादी पक्की। पर no one invite me for the party. हाँ यार, अब तुम्हारी भी तो शादी तय ही हो गई है, अब तो तुम stag रहे नहीं, इसलिए इनवाइट नहीं किया। Anyways, तुम भी आ जाओ, आखिरी बार ऐश कर लो। अर्णव को हो क्या गया है? Why is he being so cold?
Let's go out for dinner tonight. Okay. मैं मम्मा को बुला लेती हूँ. You can meet her. It will be great. Ananya, मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहता हूँ. अकेले. मम्मा को कभी और मिलूँगा. Fine. ये क्या हो रहा था? पता है कितना इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वो ही पढ़ रही थी. वी नो दैट, पर तुम आंखें बंद कर क्या बड़बड़ा रही थी? पता है क्या लिखा है इसमें? फाइव वेज टू फाइंड अ गाय, फाइव वेज टू गेट अ गाय क्लोज टू यू. मैं वो ही याद कर रही थी. यू नेवर नो, कब जरूरत पड़ जाए. बट यू नो वॉट, मैं सोच रही थी, तुम आगे की भी सोच लेती हो. प्लीज जरा हमारी भी जनरल नॉलेज बढ़ाइए मिस उदिता. मैं सोच रही थी कि इस आर्टिकल में कुछ एडिशन होना चाहिए. और वो क्या हो सकता है? How to lose a guy. अच्छा? हाँ, the best way to lose a guy is to chase him. बेचारा इतने दूर भाग जाएगा कि पकड़ में ही ना आए. वाह उदिता, that's the discovery of the century. वैसे कैन यू एवर गो बियॉन्ड गाइस व्हेनेवर यू थिंक उदिता? सोचती हूँ ना, कौन से कपड़े पहने जाए, लिपस्टिक और ज्वेलरी कैसे कोऑर्डिनेट की जाए, व्हिच ड्रेस टू वेयर दैट विल मेक मेन ड्रूल ओवर मी. देयर्स सो मच टू थिंक अबाउट. ज्यादा हंसने वालों को एक ना एक दिन जरूर रोना पड़ता है. तो तुम तो हंस सकती हो ना किट्टू, क्योंकि तुम्हारे साथ जितना बुरा होना था वो तो हो चुका है ना. हाय मम्मा. हाँ अनन्या. बेटा मैं अपने कलीग्स के साथ जरा डिनर पे जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा. नो मम्मा, देयर्स सो मच लेफ्ट टू डू. इनफैक्ट मैं आप ही को फोन करने वाली थी, आज आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी. ओह चलो, काम है तो मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन आ सकती तो बहुत अच्छा होता. बाय मम्मा, हैव फन. ओके बाय, सी यू. मम्मा से एक और झूठ, बुरा लग रहा है. आई एम रियली फीलिंग बैड, पर शायद अब ज्यादा देर तक बुरा नहीं लगता. इज इट दैट I'm too used to lying now. आदत पड़ चुकी है झूठ बोलकर भूल जाने की.